पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक आज, सूत्रों के हवाले से खबर, ममता बनर्जी और अमरिंदर सिंह नहीं होंगे शामिल। पेंगोंग से हटने के बाद भारत चीन के बीच आज गोगरा हॉट स्प्रिंग्स और डेपसांग पर बात, आज होगी दोनों देशों के बीच 10वें दौर की बात। किसानों का समर्थन कर रही कांग्रेस, मुजफ्फरनगर में प्रियंका गांधी वाड्रा आज किसान महापंचायत को करेंगी संबोधित, मोदी सरकार की होगी घेराबंदी। बिहार में सीएम नीतीश की बढ़ी मुश्किल, दो मंत्रियों की कुर्सी पर मंडराया खतरा, अशोक चौधरी और जनक राम किसी भी सदन के सदस्य नहीं। सीएम शिवराज सिंह की बड़ी घोषणा, अब होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा, कांग्रेस ने जताई आपत्ति। लालू यादव की जमानत को लेकर गरमाई सियासत, वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र का दावा, लालू को जमानत मिलने पर गिर जाएगी नीतीश सरकार। आज मालदीव और मॉरिशस का दौरा करेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद से करेंगे मुलाकात, दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने पर होगी चर्चा। टूलकिट केस में दिशा रवि को अदालत ने 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, दिशा पर आंदोलन को भड़काने का आरोप। बिहार में भी शिक्षा का फर्जीवाड़ा, सोशल साइंस का पेपर लीक, 3 बैंककर्मी गिरफ्तार, सीएम नीतीश की फटकार के बाद बोर्ड ने रद्द की परीक्षा। एक बार फिर लौट सकती है कड़ाके की सर्दी, पहाड़ों में बर्फबारी और कई राज्यों में होगी बारिश, 21 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। ऑस्ट्रेलिया में बढ़ा फेसबुक विवाद, न्यूज ब्लैकआउट के बाद भी नए कानून पर अड़िग ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन, मीडिया संगठनों के साथ वार्ता की मेज पर वापस लौटने की अपील भी की। जर्मनी के वैज्ञानिक का दावा, चीन के वुहान रिसर्च लैब से ही आया वायरस, डॉक्टर रोनाल्ड विजेंडेंजर ने 100 पन्नों का रिसर्च किया तैयार। चीन को लेकर बोले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, हमें चीन की गलत आर्थिक नीतियों का करना होगा मुकाबला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा धक्का, 3000 डायनामाइट की मदद से ट्रंप का 34 मंजिला प्लाजा किया गया धराशायी। अटलांटिक शहर के मेयर मार्टी स्मॉल ने कमजोर होने के चलते गिराने का दिया था आदेश। नासा का मंगलगान मिशन जारी, जीवन की तलाश में लाल ग्रह पहुंचा रोवर, 2030 तक पृथ्वी पर सैंपल आने की संभावना। घरेलू बाजार में आज लगातार 12वें दिन दोनों ईंधनों में लगी आग, पेट्रोल 39 पैसे प्रति लीटर बढ़ा, डीजल भी 37 पैसे चढ़ गया, दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए के स्तर के पार। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक पर लगाई पाबंदी, डेक्कन अरब कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी, 1000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकेंगे ग्राहक। 158 देशों को निर्यात होगी बाबा रामदेव की कोरोनिल दवा, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल से मिला सर्टिफिकेट, रामदेव ने वैज्ञानिक शोध पत्र जारी किया। एविएशन सेक्टर के लिए अच्छी खबर, किराए की सीमा समाप्त कर सकती है सरकार, लगातार बढ़ रहा है घरेलू हवाई यातायात। व्हाट्सएप ने सरकार को दी प्राइवेसी पॉलिसी की जानकारी, कहा पहले जैसी है सेवा की शर्तें, किसी की निजता का हनन नहीं।